तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 178 एपिसोड में ग्रोम क्लियर को देख रहा होता है और उससे कुछ बातें करने वाला होता है, तो आगे देखते हैं। हाँ, जिन्होंने 178 एपिसोड नहीं देखा है, कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें, नहीं तो आपको कुछ समझ में ही ना आने वाला है। तो दोस्तों, शुरू होता है यहाँ से एक नया चैप्टर 303, और हमें दिखाया जाता है डिफॉक्स कियो मारू के घर पर, और डिफॉक्स कियो से कुछ कह रहा होता है कि मैं उन दोनों से सिर्फ इतना ही चाहता था कि कम से कम वो ग्रोम को तो हरा ही सकते थे ना, जिससे उसकी टेलीपोर्टेशन वाली शक्तियां गायब तो हो जाती और उसके अचानक हमलों से हम बच भी सकते थे, और जब भी हम उसे चैलेंज करते वो कभी भी मैदान छोड़ के भाग नहीं सकता था। पर हम इन सब का क्या मतलब जब उन दोनों ने ग्रोम को छोड़ दिया। फिर डिफॉक्स खिड़की से टिक कर अफसोस कर रहा होता है और कह रहा होता है, इतना अच्छा मौका और इतनी अच्छी शक्ति होने के बावजूद भी वो ग्रोम को नहीं हरा सके। उनको हराना चाहिए था उन दोनों को। चलो, हाथ से निकल गया। और कियो उसी वक्त रिस्पॉन्स करता है डिफॉक्स की बातें सुनकर और कहता है, डिफॉक्स तुम सच कह रहे हो। और उसी वक्त अपना प्यारा जैच बोलता है कुछ बातें, हाँ मैं जानता हूँ वो मौका अपने हाथों से निकल गया है, पर मैंने फुलगोरे की कहानी को बड़े गौर से सुना और मेरे को लगा कि उन दोनों ने बिल्कुल सही किया। और फिर अगले पेज में हमें दिखाया जाता है जैच जो बड़ा गंभीर होता है और कुछ कह रहा होता है कि मैं क्लियर को कभी माफ नहीं करूंगा उसके बेकार कामों के लिए, मैं उसको जरूर सबक सिखाऊंगा और ऐसा जरूर होगा। और इसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है क्लियर और वो किसी से कह रहा होता है, नहीं मैं इस चीज की इजाजत तुम्हें कभी नहीं दे सकता। हाँ तो ये बात है उस लम्हे कि जहाँ ग्रोम बात कर रहा होता है क्लियर से अपने ही बनाए हुए डायमेंशन में। फिर क्लियर ग्रोम के पूछे हुए सवालों का जवाब देता है और कहता है, क्या तुम भूल गए हो ग्रोम, हमारे बीच एक समझौता हुआ था कि सिर्फ तुम ही होंगे जो पूरे ममोड़ो वर्ल्ड में जीवित रहेगा और तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा, और तुम चाहते हो कि मैं कांचो में को भी जिंदा रहने दूं। क्या तुम पागल हो, क्या तुम मेरे मकसद में रोड़ा डालना चाहते हो। और क्रोम बस खड़े खड़े उसका मुंह ताकते रहता है और उसकी बातें सुनता रहता है। और फिर क्लियर थोड़ा शांत होता है और कहता है, हमने इसी बात पर प्रॉमिस किया था ना, तो मैं एक और व्यक्ति का दखल अंदाजी नहीं चाहता जिससे कि हमारा ये प्रॉमिस टूटे, समझ रहे हो ना ग्रोम मेरी बात। पर इन सब बातों का ग्रोम पर कोई असर ही नहीं होता और वो कांचो में की निशानी को देखता रहता है और उसको याद करने लग जाता है। फिर ग्रोम के मन में वो दृश्य पैदा हो जाता है जिसमें कांचो में ने उसको वो चुड़िया की ड्राइंग प्रदान की थी, और फिर कांचो में ने ग्रोम से कहा था, मैं तुम्हें ये छोटी सी बर्ड दे रहा हूँ तो इसका ख्याल रखना, यह हमारी दोस्ती की निशानी होगी। हैं? फिर ग्रोम वापस होश में आ जाता है और फिर क्लियर से कुछ कहता है ग्रोम वाली आवाज। फिर क्लियर पलट के जवाब देता है कि तुम्हें नहीं लगता ग्रोम कि तुम नीच होते जा रहे हो बहुत, और तुम कह रहे हो ग्रोम कि ये छोटी सी बात है और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं देगी मुझको, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और इसकी बात कीता है ग्रोम, सुनो, मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए ही जिंदा रखा है क्योंकि मैंने तुमसे एक वादा या एक सौदा किया था, और मैंने ये सौदा इसलिए तुमसे किया था क्योंकि तुम बिल्कुल अकेले थे, और मैं तुम्हें याद दिला दूं ग्रोम, तुम्हारे पास ना तो कोई माता पिता और ना कोई दोस्त थे क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि कोई डिमोन वर्ल्ड में जिंदा रहे, और इसलिए ही मैंने तुम्हें इजाजत दिया था कि तुम ही होंगे जो पूरी जिंदगी अकेले डिमोन वर्ल्ड में काटेगा। और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं उस विशेष अधिकार का उपयोग करके पूरे डिमोन्स को मिटा दूंगा और उनकी राख भी नहीं बचने दूंगा,
और इसके बाद मैं सुसाइड कर लूंगा। सिर्फ तुम ही होंगे उस खाली पड़े डेमोन बर्ड में और अपनी पूरी जिंदगी वहां बिता दोगे। और क्लियर की यही फालतू की बात सुनकर ग्रोम एक जगह आलती पालती मार के बैठ जाता है और क्लियर को देखने लग जाता है। फिर इसके बाद ग्रोम दिन में सपने देखने लग जाता है और वो सपने में देखता है कि उसके खाली पड़े और अंधेरे जीवन में कोई ना कोई तो आया है उजाला बन के। फिर वो अपने सपने में देखता है कि वो उजाला कहाँ से आ रहा है। फिर वो उस उजाले को देखता है और उसे याद आता है वो लम्हा जहाँ पर वो कांचोमे के साथ सबसे ज्यादा खुश था। और वो सबसे ज्यादा खुश जब होता है जब कांचोमे उससे कहता है, जब हम लिवॉनबल में लौट जाएंगे ना तो हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। फिर ग्रोम के सपने में से खुशी की किरण गायब होने लग जाती है। वो सब खुशनुमा पल गायब होने लग जाता है उसके सपने में से और उसकी जिंदगी वापस बेरंग अंधेरे से भरी और काली हो जाती है। फिर ग्रोम अपने सपने से उठ जाता है और वो कांचोमे की निशानी को देखने लग जाता है। फिर ग्रोम को गुस्सा आ जाता है और पता नहीं वो जाने क्या कह देता है। फिर क्लियर अचानक जग जाता है और वो बोलता है, कौन है रे मेरी नींद खराब करने वाला। और फिर क्लियर कहता है, ओ ग्रोम लगता है तुम्हें वापस बाहर जाना है। मैं जानता हूँ ग्रोम, पर ये सिर्फ एक ही दिन के लिए है और तुम बीनों के साथ ही रहना और उससे कभी दूर मत जाना, नहीं तो जानते हो ना अंजाम क्या होगा। हाँ और सुन लो, मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, कहीं ऐसी जगह मत जाना जहाँ मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूँ। तो अब मुझे सोने दो और तुम अपना काम करो, जा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मीर का घर, जिसमें ग्रोम मीर से कुछ बातें कर रहा होता है। और आगे अब मीर ग्रोम से कहती है, कबू लगता है मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर ये पहली बार है कि मुझे इतनी दिक्कत हो रही है तुम्हारी बातें समझने के लिए, क्या तुम इसे एक और बार कह सकते हो क्या? फिर ग्रोम उसे थोड़े और सरल शब्दों में बताता है, पर अपन को तो कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है। पर मीर को बड़ी आसानी से आ जाता है और वो कहती है, तुम कह रहे हो, क्या तुम सच में उसके विरुद्ध जाना चाहते हो? और फिर ग्रोम मीर को इस तरह देखता है जैसे कि वो बोल रहा हो, हाँ बिल्कुल मैं उसके हूँ खिलाफ। और फिर हमें बताया जाता है एक जंगल जिसमें रखा हुआ है क्लियर और बिनू। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लियर जो कि आराम कर रहा होता है और खुद को रीजनरेट कर रहा होता है। और इसके बाद आता है नया पेज, इसमें हमें दिखाया जाता है कि मीर ग्रोम की बातों से बहुत गुस्सा होती है और उसको डांट रही होती है और कह रही होती है, तुम अपनी टांग मत अड़ाओ इन सब में, तुम कभी क्लियर से नहीं जीत सकते, मैं कितनी बार कहूँ तुमसे। और फिर मीर गुस्से में अपनी लॉलीपॉप को टुकड़े टुकड़े कर देती है और उससे कहती है, ग्रोम तुम्हारे मन में ऐसे बेकार ख्याल कहाँ से आ जाते हैं? क्या ये सब उस बतख की वजह से हो रहा है? वो बतख तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? और ये क्या है, तुम ये फालतू की पिक्चर अपने हमेशा पास रखते हो, देखो इसको। फिर इसकी बात ग्रोम मीर से कहता है, नहीं मैं इसको नहीं फेंक सकता, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा तो बतख है इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ में, और तुम कह रहे हो कि मैं अकेली नहीं रह पाऊंगा डेमोन वर्ल्ड में अकेला। और फिर इसके बाद मीर को गुस्सा जाता है और वो चोर की एक लात देती है ग्रोम पर और कहती है, ऐसी फालतू की बातें मेरे सामने मत बोले करो तुम। फिर मीर सीरियस हो जाती है और वो ग्रोम के गले को पकड़ लेती है और कहती है सीरियस अंदाज से, आखिर क्या बकवास है ये अकेलापन, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं है क्या है? क्लियर अपना सोना सही से निभा रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम अकेले रहोगे ना उस डिमांड वर्ल्ड में, है ना? पर सबसे बड़ी बात तुम जिंदा तो रहोगे। और फिर इसके बाद मीर शांत होती है और वो कहती है, अगर मैं तुम्हारे पक्ष में बोलूं तो तुम भले ही क्लियर को हरा दोगे पर दूसरे डिमोन्स का क्या? वो डिमोन्स जैसे चेच और ब्रागो, इन्होंने क्लियर को ढूंढ लिया था और दूसरे दो मोमोड़ और बचे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें हरा पाओगे अकेले?
अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम अपने ही खेल में बच जाओगे और गायब हो जाओगे हमेशा के लिए। बिना क्लियर की पावर के तुम कुछ भी नहीं हो और सुन लो, और मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास ऐसे भोले बेकार विचार हैं और तुम पूरी ईमानदारी के साथ क्लियर का काम करोगे। और इसके बाद मीर बहुत जोर जोर से लाते बरसाना शुरू हो जाती है ग्रोम पर, और इसके बाद वो कहती है ग्रोम से, तुम पूरी तरीके से क्लियर का सहयोग करोगे बाकी डिमोन्स को हराने में, करोगे ना, करोगे ना? तुम्हें पता ही है ना कि क्लियर पूरे डिमोन बढ़ के डिमोन्स को मिटाना चाहता है, क्या तुम इसमें शरीक नहीं होना चाहते? फिर मीर की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो कुछ कहती है बड़े दुख में, ग्रोम प्लीज मेरी बात समझो, तुम नहीं हरा सकते क्लियर को। और रोते रोते ग्रोम से कहती है, जब तुम क्लियर से मिले थे वो पल था जब तुम बुराई के आगोश में हो गए थे और जब से ही तुम्हारी किस्मत बेकार हो गई, और मैं जानती हूँ कि वो पल तुम्हारे लिए बहुत बेकार था। इन सब मामलों में शामिल होने की तुम्हारी मर्जी थी ना, अब तुम चाहते हो कि तुम विरोध करोगे उस क्लियर का, बेवकूफ क्लियर का। और जो दर्द से गुजरा है वो हमेशा मैं ही हूँ। फिर मीर के पीठ के निशान दिखते हैं जो उसे मिले होते हैं दुनिया की बेरहमी से। मैं तुम्हें एहसास नहीं करा सकती कि असली दर्द किसे कहते हैं। तुम्हें पता नहीं है ग्रोम, अगर जिसके पास पावर नहीं है इस दुनिया में वो कुछ भी नहीं कर सकता, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और फिर इसके बाद मीर ग्रोम की बात मान जाती है और फिर कहती है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, तुमने अपने जीवन में कभी भी दर्द को महसूस नहीं किया और न तुमने कभी भयानक चीजों को महसूस किया, अगर तुम डर के भागे तो तुम पकड़े जाओगे। फिर मीर अचानक गुस्से में जाती है और ग्रोम से कहती है, आखिर तुम कैसे बेवकूफ हो जो इस दुनिया को सही से नहीं देख सकते, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुनिया को सीरियसली लेने के लिए। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि प्यार दुनियादारी सब मोह माया है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पहुँच जाते हैं जापान, वो भी क्यूमारू के स्कूल के पीछे वाली पहाड़ियों में। ये तो कुछ डोरेमोन जैसा हो रहा है रे। फिर हमें दिखाया जाता है क्यूमारू और जैच घबरा चुके हैं कि कोई आने वाला है उनसे लड़ने के लिए। फिर क्यों कहता है, नहीं वो सच में हम पे हमला करने आ रहे हैं, जैच तैयार हो जाओ। पर ये क्या, उनसे तो स्वयं ग्रोम मिलने आ गए हैं, और सैच और कियो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं, नहीं आज तो गए, क्लियर आ गया। पर ये क्या, वो दोनों तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं ग्रोम की ऐसी हालत देख के। ग्रोम के बहुत खून बह रहा होता है उस समय, पर उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वो दोनों बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और क्यूमारू और जैच बोलते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ ग्रोम को अचानक। और इसके बाद ग्रोम जमीन पे गिर जाता है जो कि आधा कटा हुआ होता है, और फिर इसके बाद वो पोर्टल में से निकलती है मीर, और फिर मीर क्यूमारू से बोलती है कि हमने पूरे जापान में तुम्हारी डेमोनिक पावर को सेंस किया और हमने तुम्हें अंत में पा ही लिया, और हमको बिल्कुल भी पता नहीं था कि सैज का पार्टनर एक जापानीज होगा। और जैसा कि हम इसमें देख ही रहे हैं कि क्रोम बहुत दर्द से कर्रा रहा होता है, और वो घसीटते घसीटते अपनी खास निशानी को जैज के सामने प्रस्तुत कर देता है, और जिससे कि जैज चौंक जाता है क्या। फिर मीर जैज को उस चित्र के बारे में बताती है कि हाँ ये वही है जो कांचू मैंने इस क्रोम को दिया था, हमने कांचू में की सर्वाइवर के लिए क्लियर से बात करी पर वो मुकर गया, और हमने उससे लड़ाई भी करी, और अंत में हमारा अंजाम ये हुआ जो तुम देख ही रहे हो, क्लियर के एक ही क्लियर ब्लास्ट ने ग्रोम की हालत ऐसी कर दी। फिर भी मैंने लड़ाई में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, पर जैसा कि सबको पता है हम क्लियर के सामने नहीं टिक पाए और ग्रोम अपनी जिंदगी से हाथ गवा बैठा, पर हम क्लियर और बीनू को अमेरिका रॉकी माउंटेन के पीछे छोड़ के आ गए हैं।
पर अब क्लियर बहुत ही अच्छी स्थिति में आ गया है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है। फिर मीर कियो और जैस से कहती है, वैसे भी जाने दो, लो इस क्रोम की किताब को जला दो। मेरे ख्याल से जब वो डेमोनिंग बर्ड में लौट जाएगा तो उसका बॉडी डैमेज इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। फिर इसके बाद जैच और कियो ग्रोम की किताब को जला देते हैं। और फिर मीर जैच से कहती है, जैच। और फिर जैच बोलता है, हाँ क्या हुआ मीर दीदी? अगर तुम डेमोन बर्ड के किंग बन जाओगे तो तुम कांचुमे के साथ ग्रोम को भी वापस ले आओगे। और इसके बाद जैच कहता है, हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ग्रोम और बाकी ममूडो उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर मीर मुस्कुरा जाती है और जैच से कहती है, थैंक यू जैच। और जैसा हम देख सकते हैं, ग्रोम अब अपने डेमोन वर्ल्ड में लौट रहा है और साथ में लौट रही है मीर, और वो कहती हुई जा रही है, तो अब मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं भी पिट गई उसको बचाने के लिए, तो चलती हूँ जैच और कियो, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ हमारा एपिसोड होता है समाप्त। प्लीज दोस्तों।